غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। क्या खबर कि आप किसी तुर्क सरदार की बेटी से रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं? अगर यही सब करना होता मुझे, सिपाहियों और बेटी को मारना होता, तो मैं यहाँ आता ही क्यों जमींदार? होश से काम लो। क्या हुआ है आखिर? मलूनों पर क्या मुसीबत आ गई? ये हम पर बादशाह के अफसर आला के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। वो लड़की जिंदा ना आए यहाँ, चाहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पेट्रोस, सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ इस खत्ते में आएंगे तो आप भी अपने हजारों के लश्कर के साथ उनके लश्कर में शामिल होंगे इंशाल्लाह। हम फिर दुश्मन की चाल का शिकार हो गए अर्तु भाई, इन मलूनों की चालें कभी खत्म नहीं होंगी। लगता है इस लड़की पर जिन लोगों ने हमला किया था उन्होंने काई कबीले के सिपाहियों का भेस बदला हुआ था, इसीलिए तुम पर चिल्ला रही थी। वो लोग इसका इल्जाम अब हम पर लगाएंगे। जाहिर है कि जाल इस लड़की के लिए नहीं बल्कि अर्तुल भाई के लिए था। अर्तुल ने अपनी तलवार जमींदार के गले पे रख दी और उसे यरगमाल बना लिया, वो भी कारा जैसार के किले में, जमींदार के अपने ही घर में। तो इस सब का क्या मतलब है अमीर हजरत? इसमें लिखा है कि काई कबीले के लोगों ने बादशाह के अफसर आला को मार डाला और जमींदार की बेटी हेलेना गायब है। अर्तुरुल क्या करना चाहता है? वो लोग मगरिब में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये हरकतें कर रहा है। वक्त पे अगर अर्तुरुल का मामला हल हो जाता तो आज हम उसकी हिमाकतों के बजाय तुम्हारी फतुहात का जिक्र कर रहे होते। तुर्गुत, क्या हुआ भाई? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अर्तुरुल भाई को किले में रुकना पड़ा। ये क्या कह रहे हो तुर्गुत तुम? तो हम लोग यहाँ खड़े किसका इंतजार कर रहे हैं? किले चलते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। खुद को संभालो पहाड़ी भालू, किले के नजदीक भी गए तो वो जात से मार देंगे। हकीकत क्या है हमें खुलकर बताओ तुर्गुत। जब भाई जमींदार से बातचीत में मसरूफ थे तो एक पैगाम आया और हमें मालूम हुआ कि बादशाह के अफसर आला को काई के लोगों ने मार डाला। उनका कहना था कि यह सब कुछ काई कबीले के लोगों ने किया है। वो हमारे कबीले पर और भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं अर्तुक भाई। ये इल्जामात का खेल नहीं है अब्दुल रहमान, भाई को साजिश के तहत फंसाया गया है और ये तीर इस बात का सबूत है। ये तीर आपको कहां से मिला अर्तुक भाई? बम से जिस जख्मी खातून को लेकर आया उसके कांधे से निकाला है। कौन खातून?
हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका नाम हेलेना है। वो लड़की हेलेना जमींदार की बेटी। तुमने अर्तुरुल भाई की जान बचा ली, कबीले का वकार और सल्तनत का अपनो सुकून तुमने सब बचा लिया मेरे प्यारे भाई। ये मैंने किया? बमसी अर्तुरुल भाई की जिंदगी का इन्हेसार उसी लड़की पर है। ये तो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अर्तुरुल इस तरह कैसे कर सकता है आखिर? क्योंकि अर्तुरुल का तकब्बुर उरूज पर पहुंच गया है बाबा। उसे न रिवायात का ख्याल है न रियासत का। यह अर्तुरुल का काम नहीं लगता। अर्तुरुल जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। अमीर हजरत, अर्तुरुल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत होशियार है, हमें तस्लीम करना होगा। इसके बावजूद वो ये नहीं कर सकता। तो फिर अर्तुरुल अगर इसके पीछे नहीं फिर कौन है? हाँ, दरअसल मसला यही तो है। कोई हमारे दरमियान रहते हुए हमारे ही पीठ पीछे साजिशें कर रहा है और हमें उसे ढूंढना होगा। अंदर आ सकता हूं सरदार? सरदार, एक बहुत अहम बात है जो आपको बतानी है। मेरे लिए जो बात जानना जरूरी है वो अमीर हजरत के इल्म में भी होना चाहिए। बतूहान, बताओ क्या बात है? अर्तुरुल का सिपाही बमसी एक जख्मी खातून को सराय लेकर आया है। उसके लिबास से लगता है कि उस खातून का ताल्लुक किसी बड़े घराने से है। वो जिस खातून को सराय लाया है वो कौन है बतूहान? हेलेना नाम लेते हुए सुना था मैंने। दरवाजा खोलो मुहाफिजो। अर्तुरुल ने क्या वाकई उस लड़की को यरगमाल बना लिया है? इसका मतलब हम सब इस जंग में शरीक हैं। तुम आखिर कब अपनी जिद छोड़कर मेरे सवालों के जवाब दोगे जमींदार? मैं एक सफा कातिल से किसी कसम की बात नहीं करना चाहता। काई कबीले में से कोई भी मेरी इजाजत के बगैर हमला नहीं कर सकता। यूं लगता है कि यह फितना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें फंसाने के लिए खड़ा किया गया है। अभी भी फितनों की बात कर रहे हो तुम? सबसे बड़े फितना बर्दाश्त तो तुम खुद हो। तुर्कों के इन इलाकों में आने से पहले यहां सुकून ही सुकून था। दोनों ने मिलकर इस फितने को न संभाला तो बहुत खूनरेजी होगी जमींदार। तुम्हें नफरत भुलाकर गुस्से को काबू में रखना होगा अपने। मुझे जवाब दे दो सवालों का। वो शैतान सीमोन, काश के उसने तुम्हें मार दिया होता। हर एक बात का इल्म है तुम्हें। सलीबी वो सराय चला रहे थे तुम जानते थे। तुर्क कबाइल को आपस में लड़वाने के लिए सलीबी कुछ भी कर सकते हैं तुम ये भी जानते थे। सब जानते थे। सिमोन को इस्तेमाल करके तुम अपने रास्ते की हर एक रुकावट को दूर करना चाहते थे। इसलिए तुमने अपनी खामोशी को कायम रखा और जब हमारा खून बहाया जा रहा था तो तुम देखकर खुश हो रहे थे। हां बिल्कुल, तुम्हारे हर कदम की खबर थी मुझे, तुम्हारे और सिमोन दोनों की। मैं खामोश रहा ताकि भेड़िए एक दूसरे को नोच खाए। अब तुम क्या चाहते हो मुझसे बताओ मुझे। मैं अपनी बेटी की वजह से
तुम्हारी हर बात सुनने के लिए मजबूर हूं। अगर मुझे पूरी बात न बताई तुमने तो मेरे सिपाही तुम्हारी बेटी को ढूंढ भी ले तो जो कोई भी इस साजिश के पीछे है वो उसे यहां तक पहुंचने नहीं देगा। ये तीर तो गाय का ही है लेकिन जिसने भी ये तीर इस्तेमाल किया है वो हम में से नहीं। जिन लोगों ने भी ये खेल खेला है वो हमें बाजंतीनियों से लड़वाना चाहते हैं तुर्गुत, और अर्तुरुल भाई को इस नापाक साजिश का हदफ बनाया है। तो फिर हम इस लड़की को इसके बाबा के पास क्यों नहीं ले जाते अर्तुरुल भाई के बदले? और जिन्होंने ये साजिश की है अगर उन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की तो क्या करेंगे हम? किसी के इल्म में नहीं कि ये लड़की यहां है। बंसी सही कह रहा है, हमें हिफाजती इकदामात करने होंगे। अब तुम्हें बहुत मोहतात रहकर इस लड़की को किसी भी तरह किले में ले जाना होगा। लेकिन एक बात जहन में रहे, फितने की जड़ उसी किले में मौजूद है। कारा जैसार हमारा हदफ था, अर्तुरुल भाई का मकबरा नहीं बनने दे सकते हम उसे। किले पहुंचकर हम इसे इसके बाबा को सौंप देंगे। अब्दुल रहमान, हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून को जाकर खबर करो और उनसे कहो कि सराय में इस खातून के लिए कोई लिबास भिजवा दें। हम इस खातून को वहां अपने रिवायती लिबास में लेकर जाएंगे। अब्दुल रहमान, अपने बेहतरीन जंगजुओं को जमा करो, हम कल सूरज निकलने से पहले ही कले जाएंगे। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई। या अल्लाह, बेकसूर लोगों को ढाल बनाने वाले जालिम लोगों के शर से हम सबकी हिफाजत फरमा। आमीन आमीन। हमारे इल्म में लाए बगैर कोई है जो जाल बिछा रहा है, लेकिन वो अर्तुरुल बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है वो किले के अंदर ही मौजूद है। आपके ख्याल में कौन हो सकता है? एक बूढ़े और कमजोर जमींदार का तख्त उलटने का ख्वाहिशमंद एक जवान और लालची कमांडर वैसिलियस। आफरीन आफरीन हो तुम पर। अब तुम जाओ और जाकर बात करो उससे और समझाओ। तहजीबी आदाब से तो वाकिफ हो तुम, जो कुछ भी वो तुम्हें कहेगा उससे तुम्हें उसके इरादों का पता चलेगा। अलबत्ता उसके इल्म में ये नहीं आना चाहिए कि मैं शामिल हूं इस मामले में तुम्हारे साथ। आप खातिर जमा रखें अमीर हजरत, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। आला आला, अर्तुरुल को तो तुम संभाल नहीं पाए लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस मामले को संभाल लोगे। अगर वैसिलियस को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया तो यकीनन अर्तुरुल को वो हमारे लिए मार डालेगा। काय के जंगजू अर्तुरुल को बचाने के लिए कल कारा जैसार के किले जाएंगे उस लड़की को लेकर। उसे बताना कि हेलेना कहां है ये जानते हो तुम। वैसिलियस किले जाते हुए उस लड़की को कत्ल कर देगा। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत।
वालिदा। हम्म। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। क्या बात है बताओ मुझे। असलेहान खातून, असलेहान खातून और अर्तुरुल की शादी करवाना चाहते थे वो लोग, जानती थी आप वालिदा? हाँ बेटी जानती थी मैं। तो आपका क्या मशवरा था? मैंने कबीले की सलामती के बारे में सोचा। तो क्या कबीले की सलामती असलेहान खातून और अर्तुरुल साहब की शादी पर मुनासिब है? देखो बेटी, मैंने अर्तुरुल का नेक मकसद पूरा करने के लिए दूसरे बच्चों को छोड़ दिया। कबीले की खुशहाली और भलाई के लिए हसरतों को दिल में दफन कर दिया। मुझे यकीन है कुर्बानी के वक्त तुम भी पीछे नहीं हटोगी, इसलिए मैंने कबीले की तरक्की और तरवीज की खातिर वो रिश्ता कबूल कर लिया था, हिमायत की थी। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ अब्दुल रहमान। खैरियत तो है अब्दुल रहमान, क्या हुआ है तुम्हें? हाइमा खानम, अर्तुरुल भाई। क्या हुआ अर्तुरुल को? बाजंतीन के काफले पर हमला हो गया था, जमींदार की बेटी गायब हो गई। उनका ख्याल है कि यह हमला हमने किया है, और अर्तुरुल भाई को उन लोगों ने यरगमाल बना लिया है। क्या? तुम्हारा सरदार वहां यरगमाल है और तुम यहाँ खबर सुनाने आए हो अब्दुल रहमान? उसे वहां तन्हा कैसे छोड़ सकते हो? कहा था मैंने वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उन जालिमों ने वही किया जो हमेशा से करते आए हैं। या अल्लाह। भाई ने सूरत हाल संभालने के लिए हमें वापस भेजा है, और शुक्र है कि जमींदार की बेटी भी मिल गई। हम कल उसे किले ले जाएंगे और भाई को वापस ले आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अर्तुक भाई ने उस लड़की के पहनने के लिए किसी काय खातून का लिबास मंगवाया है, हमें उसे भेष बदलवा के किले ले जाना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो बच्ची खैरियत से है? बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल ठीक है वो। मैं सराय की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन सिपाही लेकर जाऊंगा। मैं भी वहां जाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें वालिदा। ठीक है जाओ बेटी, जाओ जल्दी जाओ। तुम लोग खड़े क्यों हो अब तक? क्या हो गया बंसी? क्या हो गया है तुम्हें? इस लड़की पर से नजर क्यों नहीं हटा पा रहे हो तुम? खुद को संभालो बंसी, संभालो खुद को। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ये गलत है, तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा बंसी। गलत है ये सब। इस खूबसूरत परी को अब नहीं देखोगे तुम, नहीं देखोगे। तुम्हें काबू रखना होगा खुद पर। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए मेरी, इत्मीनान रखिए। आप महफूज जगह पर हैं, यकीन करें आपको कुछ नहीं होगा यहाँ। चलो बात करते हैं, बात करते हैं। आप मुझे जंगल में मिली थी, या शायद ढूंढती हुई मेरे पास आई। आप जख्मी थी, मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। अच्छा हुआ कि यहाँ ले आया। तुमने हम पर हमला किया, तरस को बीमार डाला। कातिल हो तुम लोग, अब क्या चाहिए तुम्हें? ये आप क्या कह रही है खातून? कौन कातिल, कौन दिमित्रिस, किसकी बात कर रही हैं आप? ऐसे ही लिबास था उनका भी, वो सब तुम्हारे आदमी थे। झूठ बोल रहे हो तुम। हम कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी बात सुनिए, जैसा आप सोच रही हैं हम बिल्कुल वैसे नहीं है। कातिल हेलेना, हेलेना,
पहले सुकून के साथ हमारी बात सुन लें आप। आपकी और हमारी पुश्त में खंजर घोंपा गया है बेटी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही आपकी बात। काई सिपाहियों का भेष बदलकर आपके कारवान पर हमला किया गया ताकि इसका इल्जाम काई कबीले पर आ जाए। आपके बाबा ने हमें दुश्मन समझकर अर्तुरुल साहब को यरगमाल बना लिया है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि आपको जिंदा सलामत हमारे पास भेज दिया। अब हम जल्द से जल्द आपको आपके बाबा के पास भिजवा देंगे इंशाल्लाह। मैं कैसे एतबार कर लूं आप पर? मुझे क्या मालूम कि आप लोग मुझे दोबारा किसी जाल में फंसा दें। हाँ बेटी, अगर आपको मारना ही मकसूद होता तो हम मार चुके होते। हेलेना, अमन की कुंजी हो तुम। अगर तुम्हें तुम्हारे पापा के पास नहीं ले गए तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। कौन है सबके पीछे? जिसने भी किया है ये मालूम कर लेंगे हम। अब तुम ये रखो, ले लो। कल सुबह रवाना होंगे हम। रास्ते में कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, मोहतात रहना होगा। अब वहां रख दो इसे, अल्लाह के वास्ते खौफजदा ना हो। यकीन करें हम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते आपको, खासकर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बंसी तुम्हारे दरवाजे पर पहरा देगा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। अब आपको आराम करना चाहिए। आराम करें, आराम करें। आराम करें। ख्याल रखना इसका भाई। बहुत ख्याल रखूंगा भाई। ये क्या हो रहा है तुम्हें बंसी? इस लड़की का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा, निकालना होगा। हेलेना का कुछ पता नहीं चला कमांडर वैसिलियस। कल बचने वाला घड़ियाल मेरे लिए फैसला कौन होगा पेट्रोस? घड़ियाल के बचते ही जब मोहलत खत्म हो जाएगी, अर्तुरुल की अपने हाथों से जान लूंगा। और समीदार? वो भी मारा जाएगा, या तो कल या फिर उसके अगले रोज। उसका वक्त वैसे भी पूरा हो चुका। तुर्कों के साथ जल्द जंग का इरादा है आपका? हर गुजरते दिन के साथ पेट्रोस, वो हमारे पहाड़ों में अपने मवेशियों के साथ बसते चले जा रहे हैं। हमारे पानियों को आलूदा कर दिया है, फिजाओं को बदबूदार कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ हम उनसे होने वाली ये जंग हार रहे हैं पेट्रोस। इन तुर्कों का खून बहा के हमें अपने इलाकों को पाक करना है फिर से। तैयारियां मुकम्मल हो गई? किले की तरफ आने वाले हर रास्ते पर सिपाही तैनात कर दिए हैं, और काई लिबास में मलबूस सिपाहियों की कमान मैं संभालूंगा। अगर उन्हें हेलेना मिल भी गई
तो वो जिंदा के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उराल साहब आए हैं कमांडर वेसिलियस, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो उन्हें। और मेरी बेटी की रवानगी की इत्तला मेरे सालारों के अलावा और किसी को नहीं थी। वेसिलियस को भी इसकी खबर थी? नहीं नहीं, वेसिलियस नहीं हो सकता, वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं अपने हर सालार से तफ्तीश करूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं अब भी यही कहूंगा कि वेसिलियस को नजरअंदाज नहीं करो जमींदार। आखिर इसरार क्यों कर रहे हो तुम इस पे मुसलसल? वो मेरी औलाद जैसा है, मैं तुम्हें बता चुका हूं, समझते क्यों नहीं? तुमने बताया था कि बादशाह सालार आला बनाना चाहता है वेसिलियस को। अगर कोई दो रियासतों के दरमियान जंग शुरू करने की ख्वाहिश रखता हो तो उसको ऐसा करने के लिए वैसी ही ताकत दरकार होगी। क्या पता ये साजिश मेरे किले में तैयार ही ना हुई हो, सुल्तान के महल में भी तैयार हो सकती है। क्या इस जाविये से सोचा तुमने? सुल्तान इस वक्त मंगोलों से मुकाबले में मसरूफ है, जंग की ख्वाहिश उनकी नहीं हो सकती। वेसिलियस गद्दार नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। जब वक्त आएगा तो सच सामने आ जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अमीर सादती? बिल्कुल असलेहान खातून, तशरीफ लाइए। ताम तैयार है, तशरीफ ले आइए। असलेहान खातून रुकिए जरा। क्या आप जानती हैं कि हर वो पत्थर जिसे मेरी उंगलियां छू जाएं, उस वक्त ही दीदा जेब लगता है जब वो हकदार तक पहुंच जाए। शेकलूबन सिर्फ आपकी ही नाजुक गर्दन पे जचेगा, और इसे आपके लिए तैयार किया है मैंने। दिल टूट जाएगा मेरा अगर कबूल ना किया। बहुत खुशी होगी अगर आप इसे पहनेंगी। शुक्रिया अमीर सादतीन।
मुझे लगता था मैं जमींदार से मुत्तफिक हूं, लेकिन शायद मैं गलत था। कैसे, कहना क्या चाहते हो रॉल? मैं देख रहा हूं कि काराज हिसार का हाकिम जमींदार नहीं बल्कि तुम हो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो रॉल? हमारे पास एक दूसरे के खिलाफ चालें चलने का वक्त नहीं है कमांडर वेसिलियस। तुम क्या चाहते हो ये जानता हूं मैं। बादशाह के नुमाइंदा खास को अर्तुरुल ने नहीं मारा। हानली बाजार के लिए, अर्तुरुल के सर के लिए मैंने गलत आदमी से मुआहिदा कर लिया था, लेकिन सही आदमी कौन है जान गया हूं मैं। अगर मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं इस वक्त तो किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं होगी मुझसे। सही कहा तुमने, लेकिन अगर मेरा सर कलम कर दिया तो जमींदार की बेटी के बारे में तुम कभी जान नहीं पाओगे, और फिर न तुम न ही मेरा कबीला अर्तुरुल से निजात पा सकेगा। क्या कहा तुमने? हेलेना कहा है? ये बताने से पहले मुझे ये यकीन दिहानी चाहिए कि हम दोनों मुत्तहिद हैं। हेलेना कहा है? पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा वेसिलियस। मुत्तहिद हैं हम या नहीं? मेरे हाली बाजार संभालने के बाद हमारे दरमियान तिजारत का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं? अगर मैं झूठ बोल दूं तो क्या कर लोगे तुम? हेलेना की मालूमात तुमसे हासिल करने के बाद तुम्हारा सर ही काट डालूं। तो फिर तुम्हारा हर राज आश्कार हो जाएगा कमांडर वेसिलियस। अर्तुरुल के कालीनों को चलाया तुमने, लुटेरों से साजबाज की, हत्ता के अपनी बहन असलेहान की जान तक दांव पे लगा दी। बहुत कुछ जानता हूं तुम्हारी तरह मैं भी। सिमोन का एक आदमी तुम्हारे लिए काम करता रहा है, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? क्या बात है तुम बाजंतीनियों की। अब हम बराबर हैं, इस सूरत हाल में मुत्तहिद हैं हम, कह सकते हैं। हेलेना कहां है? हानली बाजार में, और अभी जिंदा है वो। वो रवाना हो चुके होंगे किले के लिए। तुम कैसे जानते हो? वो जख्मी है। जितना जल्द मुमकिन हो ये सब खत्म कर दो वेसिलियस, ताकि हमारी शराकतदारी मजबूत हो जाए। हम दोनों बाजार से अपना अपना हिस्सा हासिल करते रहेंगे। इस पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़त के लिए मैं असलेहान खातून का शुक्रगुजार हूं। आपकी इस मेहमान नवाजी का मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं अल्फाज नहीं। जानदार साहब, आपका यहां कयाम करना बहुत बड़ा शर्फ है हमारे लिए अमीर हजरत। आपकी जब भी ख्वाहिश हो बखुशी यहां कयाम कर सकते हैं आप। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा इंशाल्लाह। ये जगह बहुत पुरसुकून है। मेरी ख्वाहिश है कि दीगर तुर्क कबाइल भी ऐसे ही पुरसुकून हो जाएं, लेकिन कई कबीला ऐसा नहीं। अर्तुरुल,
अपने किए गए कारनामों का खमियाजा भुगत रहा है। अर्तुरुल भाई को आप हमसे बेहतर जानते हैं जनाब अमीर सादतीन, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि वो ऐसी नाजेबा हरकत कभी नहीं कर सकते? किसी की सोच के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। अर्तुरुल इंतहाई खुदगर्ज़ है, उसका तकबर इस नहज पे है कि अब वापसी इंतहाई मुश्किल है। बहरहाल उस कारवान पर जिस किसी ने भी हमला किया है उसका यह हमला दोनों रियासतों के माबेन अमनो अमान पर हमला है। तो ये आपका काम है इस वाकये के मुजरिम को ढूंढें ताकि इंसाफ का निजाम कायम हो सके। अमीर सादतीन, तो क्या ये जिम्मेदारी भी अमीर हजरत की है कि हर बार अर्थुरुल के फैलाए हुए बखेड़े को समेटे? आलियार, वो कितनी मर्तबा हमें मुश्किलात में डाल चुका है। दुरुस्त कहा, ठीक कहा आपने आलियार साहब, लेकिन मेरा काम अमनो अमान को कायम करना है, अर्तुरुल की पैदा करदा मुश्किलात को सही करना नहीं है। इसके अलावा मेरी जमानत में मौजूद उन तमाम तुर्क कबाइल को अर्तुरुल जैसे खुदगर्ज के लालच, हिर्स और तमा पर कुर्बान नहीं कर सकता मैं। अर्तुरुल भाई बेकसूर है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप अमीर सादतीन। अर्तुरुल अगर बेकसूर है तो अदालत खुद इसका फैसला करेगी, ये तुम्हारा और मेरा काम नहीं, समझे बरखुरदार? दुआ तुम यहीं रुककर इस सराय की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। क्या सूरत हाल है अर्तुक भाई? हमारे सिपाही बिल्कुल तैयार हैं रवानगी के लिए हलीमा सुल्तान, तमाम इकदामात कर लिए हैं। दुआ तमाम मामलात और इस जगह की हिफाजत के लिए यहीं रुकेगा। बहुत अच्छी तदबीर की है, जाइए और बाहिफाजत लौटिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जमींदार की बेटी का क्या हाल है? वो खतरे से बाहर है हलीमा सुल्तान, और तमाम हकीकत से उसे आगाह भी कर दिया है ताकि वो भी मोहतात रहे। ठीक है, वो बहुत जल्द अपने बाबा से मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे आप लोगों को। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आइए। मेरे बारे में जानना चाहती होंगी। मैं जानती हूं कि आप हलीमा सुल्तान हैं। आर्तुक भाई ने आपके आने के बारे में बताया था। कैसी हैं अबा, तबीयत कैसी है? किसी चीज की जरूरत है आपको? ठीक हूं मैं, बहुत ख्याल रखा है इन लोगों ने। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है, और मुझे आपके सरदार का अफसोस है। दुआ है कि जल्द खैरियत से वापस आ जाए वो। इंशाल्लाह, लेकिन इस फितने के पीछे जो लोग भी हैं अर्तुरुल साहब उन्हें ढूंढ लेंगे। हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करके निकल आए हैं, इससे भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। कबीले से कुछ कपड़े लेकर आई हूं आपके लिए, बेफिक्र हो जाएं, सही सलामत आपको आपके बाबा तक पहुंचा दिया जाएगा। Thank you.
हलीमा सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। बाबा को आप लोगों की रहमदिली के बारे में जरूर बताऊंगी। तैयार हूं बंसी, हम चल सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। इन कपड़ों में हमारी तरह लग रही हैं। अगर आप तैयार हैं तो फिर चलते हैं हम। आपने बहुत ख्याल रखा मेरा, शुक्रगुजार हूं। मैंने कभी खुद को इतना बेबस और मजबूर महसूस नहीं किया। अगर तुम्हारी बात सच हुई और मेरी बेटी मर गई तो इस सब का जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। मेरी बेवकूफियां होंगी। आए उठे।
हमला आवरों से तो वाकिफ नहीं, लेकिन सिपाहियों को इस हमले से छुपकर बचाने वाला कोई तुर्क तीरंदाज था। अपने अजीज जमींदार के जनाजे की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या कहते हो पेट्रस? हमारा अजीज जमींदार कल मार दिया जाएगा।